बाबा जी काफी दिनों बाद शिविर नहीं लग रहा है, क्या बात है? ये राजस्थान एमपी ये जो पांचों राज्य का इलेक्शन था तो आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता के हिसाब से मैंने मेरा कार्यक्रम बंद रखा था, लेकिन तो भी मैंने अभी बिहार में 25 तारीख से कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में कितने दिन चला आपका शिविर बाबा जी? बिहार में मेरा शिविर चला 10 दिन, 9 दिन चला, 9-10 मतलब 10 दिन चला। अच्छा, उससे पहले आप बॉम्बे में आपने भी शिविर लगाया था? हाँ, बॉम्बे में शिविर लगाया था, वहाँ पर भी 5 दिन चला था। तो इस बार आपके अगली बार किस जगह लग रहा है आपका शिविर? अभी मेरा शिविर लग रहा है बिहार में पकड़ी गांव में, मुजफ्फर जिला में, और मुजफ्फरपुर बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे लगा है। और मैं अभी नया हूँ, गांव का नाम है पकड़ी, थाना बरुराज, जिला मुजफ्फरपुर में लगा। अच्छा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक लगा है कार्यक्रम की डेट? तो लोगों ने आज से दे दिया, लेकिन आज से नहीं है कार्यक्रम, 25/11 से चालू होगा और 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक चलेगा वहाँ पे शिविर, मतलब 15 दिन का कार्यक्रम है। अच्छा, मतलब 15 दिन का शिविर आपने बिहार मुजफ्फरपुर में दिया आपने? हाँ। अच्छा, अब बाबा जी आपके शिविर में आने के लिए कौन से पेशेंट का आना होता है? लकवा हो, पोलियो हो, शुगर हो, बीपी हो, कैंसर हो, बीमारी शरीर के अंदर कोई भी हो। अच्छा, और आने में क्या प्रोसेस रहता है बाबा जी, कितने दिन आपके शिविर में रुकना पड़ता है? वहाँ पे आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा। अच्छा, 5 दिन रुकना ही पड़ता है अनिवार्य? हाँ, रुकना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा बाबा जी जैसे वहाँ पे कोई खर्चा वगैरह, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई खर्चा नहीं। आप तो वहाँ, मैं भी पहली बार बिहार जा रहा हूँ, तो वहाँ आपका तो दूसरी बार हो गया बाबा जी? हाँ, ऐसा तो नहीं, वो तो एक मैं गया था धर्मसभा में। अच्छा, श्री गंगापुत्र त्रिनेत्र स्वामी महाराज जी का एक चतुर्मास का कार्यक्रम था, उसमें गया। और लेकिन ये शिविर मेरी शिविर हो रही है। अच्छा, ये आपका है? हाँ, ये मेरी शिविर हो रही है। वो तो मैं वहाँ एक धर्मसभा थी, तो धर्मसभा में मैं गया था। वहाँ तो बहुत साधु संत आए थे, हमारे महाराज जी भी वहाँ पे बता रहे थे, और बहुत अच्छा वहाँ सत्संग करते। अच्छा। और महाराज जी का नाम वेंकटेश प्रसाद पन्नाचार ऐसा नाम। देखो भैया, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इतना नहीं समझता है, उन्हें दिखने में छोटा दिखता है, लेकिन बहुत ज्ञानी पुरुष है। और आज मैं महाराज जी के दरबार में आया हूँ, यहाँ पुष्कर में, और ये मठ है द्वारकाधीश मंदिर है, वहीं पे बैठ के आपको मैं बता रहा हूँ। और मैं आज यहाँ से द्वारकाधीश जाऊँगा, और द्वारकाधीश से मैं बिहार निकल जाऊँगा। अच्छा, आज निकलोगे यहाँ से? अभी निकलो। तो बाबा जी काफ़ी बार हो चुका है कि कैंप की अपडेट मिलने के बाद उसको वापस कैंसिल कर दिया जाता है, इस बार तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा पब्लिक को कि कौन सा कार्यक्रम मैंने अपडेट दिया? नहीं, जैसे बांसवाड़ा में आपने तो नहीं दिया, लोगों ने दिया, तो विश्वास नहीं होता है उनको। देखो, मैं ये 2-4 जो मेरा यूट्यूबर है, ये बालाजी ब्लॉग, राजस्थान मिस्टर राजस्थान, रावत जी ब्लॉग, जेबीएल मीडिया, देखो हम यही जानना चाहते हैं, 4-5 मीडिया है, वही भरोसा रखो। दूसरा, मेरे नाम से आज वहाँ पे लोगों वो पर्ची फाट रहे हैं, मेरे नाम पे लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, हम यही जानना चाहते हैं। आप मेरे नाम से, मैं जब तक ये 4-5 मीडिया है, बालाजी ब्लॉग है, रावत जी ब्लॉग है, कहने का मतलब आपका यही है कि जब तक आप इन यूट्यूब पे वीडियो ना देखो, आप भी पर्सनल, तब तक आप मेरा वीडियो आप ना देखो, तब तक आपको लोग ये अपना यूट्यूब ने सब्सक्राइब ने फर्स्टक्राइब ने टस्क्राइब करने के लिए तुम्हारे को लोग भ्रमित कर रहे हैं। आपको मेरे, मैं जब तक ना बोलूँ मैं यहाँ जाने वाला हूँ। मैंने आज भी लोगों ने वीडियो डाला हुआ है, अभी मेरे पास में ये को आई हुई है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा है 20 तारीख से बाबा का कार्यक्रम है, लेकिन मेरा कार्यक्रम 25 तारीख से है। हाँ, तो यही तो कहने का मतलब, लोगों को भ्रमित होते हैं, लोग आने के वो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में मेरे कम से कम 8-10 करोड़ भक्त है, उसमें से 6 करोड़ तो मेरा ये एक बार में इंटरव्यू देता हूँ देखते हैं, तो उसमें 6 करोड़ आदमी तो मेरा क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब सब है मेरा। तो कहने का मतलब, जब आप खुद आके ही इंटरव्यू दो तभी आप विश्वास करते हैं। मैं जब बोलूँ नहीं, तब तक आप, मैं तो मेरे माँ के भक्त को मैं तो यही बोलता हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप घर पे ही रहना। और मैंने बोल दिया, वो बाद में पत्थर की लकीर आपको आ जाने का, वहीं मैं खड़ा हूँ, वहीं मैं बैठा हूँ। बाबा जी ऐसा ही होता है, हर बार भी जब भी आपका इंटरव्यू आता है वो ओरिजिनली आता है, आपका जब इंटरव्यू आता है हमारे चैनल पे और फेसबुक पेज पे, वो शिविर लगता है। देखो काफ़ी लोग हैं जो गलत फॉरवर्ड करते हैं मैसेज,
सीवर के बारे में, वो लोगों को वो यूट्यूब के जमाने यूट्यूब से पैसा मिलते उसकी वजह से मेरे नाम को बदनाम करके, मेरे नाम का यूज करके, उपयोग करके ये लोग कुछ भी वीडियो बनाते, कुछ भी डालते। अभी एक वीडियो आया था बाबा जेल में, बाबा पे ऐसा हो गया, बाबा ने ये कर दिया, ऐसा सब मेरा वीडियो आते रहता है। तो वो आपको, जब मैं आपको बोलूँ, मैं अभी मेरे आदमी जो इलेक्शन थे तो मैं मेरे आदमी को मिलने जाता था। मैं अभी छत्तीसगढ़ भी गया था, मध्य प्रदेश में भी गया था और राजस्थान में भी गए थे। तो बाबा जी राजस्थान में तो दोनों समय भंडारे फ्री होते थे, बिहार का क्या? देखो मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं दो चार दिन के अंदर वहाँ भी मैं भंडारे की व्यवस्था कर दूँ। देखो मेरे लिए, मैं अभी जो मैं पाँच दिन गया था तो श्री गंगापुत्र महाराज का कार्यक्रम, तो वहाँ तो लोगों का बड़ा आयोजन था, दरअसल 5 लाख आदमी आते थे। पर अभी जो मैं करूँगा वो, मैं यहाँ से जाने के बाद 2-3 दिन के अंदर भंडारा की व्यवस्था हो जाएगी, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, वहीं भी वही देखने को मिलेगा जो जैसे राजस्थान में सेवा करते थे लोगों के आने पर, वैसी वैसी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये सब सेट होने में 2-4 दिन लग जाएगा, क्योंकि मेरे लिए बिहार नया है, क्योंकि पूरा भारत अब मेरे को राजस्थान का बाबा बोलते हैं और मैं गुजरात का हूँ। बाबा आप हो ही बाबा जी राजस्थान के, गुजरात होने से क्या है बाबा जी, तो आप राजस्थान के ही हो। और अभी बिहार वाले भी लोग बोलते हैं बाबा कहाँ के बाबा, राजस्थान वाले बाबा बिहार भी आए, ऐसा बोलते हैं। तो अब मेरी छाप एक राजस्थान की हो गई और वही छाप अब मैं राजस्थान की रहने दूंगा। बाबा जी एक दफा फिर से एक बार वहाँ का एड्रेस बता दीजिए आप। अब तो वो तो मैं भी भूल गया, उसमें देखना पड़ेगा कोई अगर वहाँ का ग्राम। तो बाबा जी वहाँ मौसम की अगर बात करें तो सर्दी तेज है या नहीं? सर्दी बर्दी इतना नहीं है, मैंने अभी तक स्वेटर नहीं पहना है। ये तो पुष्कर है बाबा जी, इसलिए नहीं पहना आपने? नहीं, वहाँ से मैं आया हूँ ना अभी, मैं अभी बिहार से आया हूँ ना, और मैं द्वारकाधीश का दर्शन करने जा रहा हूँ। द्वारकाधीश का दर्शन करके मैं अभी बिहार वापस चला जाऊँगा। अच्छा बाबा जी, एक बार आप वहाँ का पूरा एड्रेस और आप कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं ये सारा विस्तार से हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, शुगर हो, बीपी हो, पेट का दर्द हो, पथरी हो, निसंतान हो, कोई भी बीमार हो, मतलब ऐसी कोई बीमारी हो उसी का इलाज, सभी एड़ी से चोटी तक मानव शरीर के अंदर जो बीमारी है तो उसके मेरी माँ के पास इलाज। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में कितनी तारीख से, मुजफ्फरपुर जिले के अंदर कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है? 25 तारीख से 10 तारीख तक, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। चलो बाबा जी वहाँ के कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे? मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर जी 86 94 89 33 33। चलो बाबा जी जय माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।